मिठाई बांटने का समय आ चुका है, लड्डू बांटने की कीजिए तैयारी। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, जी हाँ मित्रों, 178 सालों के इतिहास के बाद 9 नवंबर 2023 यानी कि रमा एकादशी के दिन चार ऐसे दुर्लभ और महासंयोग बन रहे हैं जिससे चार राशि वाले लोगों की किस्मत एकदम से चमकने जा रही है। रमा एकादशी के तुरंत बाद से ही चार राशियों का भाग्य उदय होने वाला है, यानी कि साक्षात माता लक्ष्मी जी छप्पर फाड़ कर उनके घर में विशेष रूप से मेहरबान होने वाली है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं कौन कौन सी है वो चार सबसे ज्यादा भाग्यशाली राशियां जिनके सौभाग्य के दरवाजे रमा एकादशी के बाद से ही खुलने वाले हैं। तो एक एक करते हुए सभी भाग्यशाली राशियों के बारे में अपन इस वीडियो में चर्चा करेंगे, ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ मित्रों, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना वो सभी लोगों को मिल सके। मित्रों, कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी होती है ना, इस दिन रमा एकादशी मनाई जाती है। रमा एकादशी आमतौर पर दिवाली के चार दिन पहले पड़ती है और यह एकादशी भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी को समर्पित होती है। रमा एकादशी के दिन राशि के अनुसार कुछ विशेष उपाय भी किए जाते हैं, कुछ विशेष कार्य किए जाते हैं जिनसे भी माता लक्ष्मी जी अत्यंत ही प्रसन्न होती है और अपने भक्तों के घर में सुख संपत्ति धन धान्य दौलत के साथ ही सौभाग्य की बढ़ोतरी करती है। इस बार 178 सालों के बाद रमा एकादशी गुरुवार के दिन पड़ रही है जो कि भगवान विष्णु जी को अति प्रिय है, और साथ ही एकादशी के दिन शुक्र और चंद्रमा दोनों की युति बन रही है जिसे कलात्मक योग का निर्माण हो रहा है। उसके अलावा सूर्य और मंगल की युति भी बन रही है और साथ ही रमा एकादशी पर प्रदोष काल और गुरु पुष्य नक्षत्र की प्राप्ति भी हो रही है जिससे भी इस एकादशी का जो महत्व है वो कई गुना बढ़ चुका है। तो चलिए जान लेते हैं रमा एकादशी के बाद सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है वृषभ राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ई उ ए ओ वा वी वु वे और वो से शुरू होता है, उनकी वृषभ राशि होती है। जैसे कि इंदिरा, ओंकार, ओम प्रकाश, विमला, इस तरह से विमलेश, जिनकी जो नाम होता है ना उनकी वृषभ राशि बनती है। और आप सभी को पता होगा कि इस नवंबर के महीने में पांच अलग अलग और बड़े ग्रह है जो अपनी चाल बदल रहे हैं, और इसी के साथ वृषभ राशि वाले लोगों के लिए 9 नवंबर के बाद यानी कि रमा एकादशी के बाद यह जो पूरा महीना है ये आपके लिए अत्यंत ही लाभकारी साबित होगा। इस महीने आपको अपनी योजनाओं में भी सफलता मिलेगी और साथ ही आपकी इनकम में भी बढ़ोतरी होगी। और वहीं न्याय के देवता भगवान शनिदेव वृषभ राशि के कर्म भाव पर विराजमान हुए हैं, यानी कि शनिदेव उल्टी चाल चल रहे थे जो कि अब सीधी चाल में आ चुके हैं, जिससे माता लक्ष्मी जी और भगवान शनिदेव की कृपा से वृषभ राशि वाले लोगों की जो भी आर्थिक परेशानियां चल रही थी वो अब धीरे धीरे दूर होगी। उसके अलावा आपकी इनकम में बढ़ोतरी बनेगी और साथ ही काम और कारोबार दोनों में ही तरक्की मिलेगी। अगर आप अपना स्वयं का व्यापार करते हैं या पार्टनरशिप में कोई भी कामकाज करते हैं ना, तो 9 नवंबर के बाद यह जो दिवाली का महीना रहेगा ये आपके लिए अत्यंत ही सौभाग्यशाली होगा। जिस तरह से सितंबर और अक्टूबर में आप दुकान पर ग्राहकों का इंतजार किया करते थे, अब आपके यहाँ पर ग्राहकों की भीड़ जमा होने लगेगी। आपको मतलब सोच लीजिएगा कि खाना खाने तक का समय नहीं मिलेगा। इस बार आपका जो प्रॉफिट है वो काफी अच्छा और शानदार रहेगा, और साथ ही जो भी व्यक्ति नौकरी से जुड़े हुए हैं, कहीं पर भी जॉब वगैरह करते हैं ना, उनको भी नौकरी के नए नए अवसर मिलेंगे। दिवाली पर आपको प्रमोशन मिल सकता है और साथ ही बोनस की प्राप्ति भी हो सकती है। इसके अलावा आपके जो पारिवारिक और सामाजिक संबंध है वो मजबूत बनेंगे। जीवन साथी के साथ किसी भी महत्वपूर्ण मुद्दे पर आप कोई भी विवाद चल रहा था तो उसको भी सुलझा सकते हैं। कुल मिलाकर वृषभ राशि वाले लोगों के लिए यह जो नवंबर का पूरा महीना ही बहुत ही अच्छा और अनुकूल साबित होगा। इस महीने आप नए नए लोगों के साथ संबंध बनाएंगे और व्यापारिक क्षेत्र में आप कुछ नया करने का प्रयास करेंगे। उसके अलावा जीवन साथी के साथ आपके रिश्ते मजबूत होंगे, धन की बचत होगी, और साथ ही अंततः आपका अगर कोई भी कर्ज वगैरह है ना तो उससे भी धीरे धीरे आपको हल्कापन देखने को मिलेगा। जो व्यक्ति बहुत दिनों से नौकरी बदलने के बारे में सोच रहे थे या किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे थे, तो यह नवंबर का महीना आपकी यह तलाश पूर्ण करेगा। आपको अपने मन पसंद उपयुक्त जगह पर नौकरी की प्राप्ति भी हो सकती है। धन कमाने के नए नए रास्ते आपके सामने आएंगे, और अगर आप कोई भी नया कामकाज शुरू करना चाहते हैं तो भी नवंबर का जो महीना है ये आपके लिए अच्छा और अनुकूल बनेगा। चलिए जान लेते हैं अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं,
तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं जिंदगी में आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, या ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है? और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं, क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं, अगर दोष है तो वो क्या है और उसका समाधान क्या है, कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है, आपका भाग्य उदय कब होगा, जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे, नौकरी या व्यापार किस में आपको ज्यादा तरक्की ज्यादा सफलता प्राप्त होगी, कौन सा व्यापार आपके लिए सबसे अच्छा और शुभ फलित रहेगा। यह साल 2023 तो जैसे तैसे निकलने में आ रहा है, आने वाला साल 2024 आपके लिए कैसा होगा उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपनी संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जैसे कि व्यापार में आपको लगातार नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, पति पत्नी के बीच आपस में बनती नहीं है, घर परिवार में लड़ाई झगड़ा बना रहता है, या पति पत्नी के बीच कोई तीसरा आ चुका है जिससे आप छुटकारा पाना चाहते हैं, आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता या रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है, आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही है, या लड़का लड़की का संबंध होने जा रहा है, एंगेजमेंट होने जा रही है, या आप किसी से प्रेम संबंध में है और अपना लव मैरिज करना चाहते हैं, तो उससे पहले आप दोनों का कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, गुण मिलान करवाना चाहते हैं। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए, रमा एकादशी के बाद अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मिथुन राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर का की कु बड़ा गै छह के को और हा से शुरू होता है, उनकी मिथुन राशि होती है। मित्रों, रमा एकादशी के बाद मिथुन राशि वाले लोगों के लिए समय बहुत ही अच्छा और लकी साबित होगा। अगर आप कोई भी छोटी मोटी समस्याओं से परेशान हो रहे थे, जूझ रहे थे, तो अब वो धीरे धीरे दूर होने लगेगी। करियर और कारोबार दोनों में ही लाभ मिलने की संभावना है। अच्छा, जो विद्यार्थी है किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे थे ना, उन लोगों को नवंबर में सफलता हासिल हो सकती है। संतान की ओर से कोई भी शुभ समाचार आपको मिलेगा और साथ ही जो भी महिलाएं हैं जिनकी मिथुन राशि है, जो कामकाज करती है ना, उनको काम के लिए बहुत ही अच्छी सराहना मिल सकती है। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा और बिजनेस के क्षेत्र की बात करें ना, तो वहां पर भी आपको लाभ मिलने के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। व्यापार में काफी अच्छा आपको मुनाफा मिल सकता है और साथ ही आपका कोई भी रुका हुआ काम था तो वो फिर से शुरू होगा। हालांकि उतार चढ़ाव जरूर हो सकते हैं, लेकिन अंत में आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और साथ ही अगर आप कोई भी नया काम शुरू करना चाहते हैं ना, तो भी समय आपके लिए अच्छा और उत्तम होगा। परिवार में मांगलिक कार्य का योग भी बनेगा और आप किसी भी धार्मिक यात्रा पर भी जा सकते हैं। चलिए, जान लेते हैं नवंबर के भाग्यशाली अगली जो राशि की बात करें तो वो आती है कर्क राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ही हो हे हो डा डी डू डे और डो से शुरू होता है, उनकी कर्क राशि होती है। कर्क राशि वाले लोगों के लिए भी रमा एकादशी के बाद यह जो समय है ना, वो काफी अच्छा और खास रहेगा। आपको अपने भाग्य का पूरा साथ मिलेगा, जिससे लंबे समय से जो भी आपके रुके हुए काम थे वो पूर्ण होंगे और हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। अगर आप किसी भी व्यापार या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं ना, तो नवंबर में आप इसे जरूर कर लीजिए और आपके लाभ होने के यानी कि प्रॉफिट होने के आसार काफी ज्यादा बन रहे हैं। परिवार के साथ आपका जो समय है वो अच्छा बीतेगा और किसी भी पुराने दोस्त से आपकी मुलाकात हो सकती है, जिससे आपकी यादें पुरानी ताजा होगी। जो व्यक्ति वैवाहिक है मैरिड लाइफ में, उनके लिए खुशियां ही खुशियां होगी। अगर कोई भी विवाह चल रहा था, पति पत्नी के बीच रिश्तों में कोई भी दिक्कतें चल रही थी ना, तो वो धीरे धीरे दूर होगी। पार्टनर के साथ आपका जो समय है वो बहुत ही अच्छा बीतेगा। इसके अलावा जो व्यक्ति नौकरी की तलाश कर रहे हैं ना, ऐसे लोगों को नौकरी में सफलता की प्राप्ति होगी। बाकी आपको अपने भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। जो व्यक्ति व्यापार से जुड़े हुए हैं ना, उनको अपने कार्य क्षेत्र में थोड़े बहुत कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं, लेकिन आपको प्रॉफिट मिलेगा और घर परिवार में भौतिक सुख
में बढ़ोतरी होगी। आपकी इनकम तो बढ़ेगी ही, साथ ही अगर आप कोई भी नया कार्य शुरू करना चाहते हैं ना, तो उसमें भी आपको कई सारे मौके मिलेंगे। पूरे परिवार का स्वास्थ्य जो है वो अच्छा बनेगा और परिवार का आपको साथ भी प्राप्त होगा। चलिए जान लेते हैं रमा एकादशी के बाद अगली और अंतिम जो भाग्यशाली राशि बनेगी ना, वो आती है मकर राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर भो जा जी की खू खे खो गा और गी से शुरू होता है, उनकी मकर राशि होती है। मकर राशि वाले लोगों के लिए भी रमा एकादशी के बाद यह जो समय है वो बहुत ही अच्छा और खास साबित होगा। परिवार के साथ आपका जो समय है वो अच्छे से बीतेगा और किस्मत का भी आपको पूरा साथ मिलेगा और भाग्य का साथ मिलने के कारण हर एक क्षेत्र में आपको सफलता की प्राप्ति होगी। आपको अपने करियर में तरक्की के पूरे आसार नजर आएंगे। उसके अलावा जहाँ कहीं भी आप काम करते हैं ना, कार्यस्थल पर आपको अपने काम को देखते हुए प्रमोशन और इंक्रीमेंट मिल सकता है। इस दिवाली पर आपको बहुत ही अच्छा बोनस प्राप्त होगा और साथ ही प्रमोशन की फाइल आपकी जो है वो अप्रूव हो सकती है। लंबे समय से अगर आपके कोई भी रुके हुए काम थे, जो अटके हुए थे ना, वो अब धीरे धीरे पूर्ण होने की संभावना है। उसके अलावा अगर आपने कहीं पर भी पैसा उधार दिया हुआ था तो वो वापस से मिल सकता है। इनकम के नए नए स्रोत, नए नए माध्यम जो है वो आपके खुलते चले जाएंगे। मकर राशि वाले लोगों के लिए यह नवंबर का पूरा महीना ही किसी भी वरदान से कम साबित नहीं होगा, क्योंकि भगवान शनिदेव आपके धन भार्ग पर मार्गी हो चुके हैं और भगवान शनिदेव के मार्गी होने के कारण नवंबर और दिसंबर इन दो महीनों के दौरान आपको अचानक से धन की प्राप्ति भी हो सकती है। करियर में सुधार होगा और साथ ही नए संबंध बनाने का भी उचित समय बन रहा है। व्यवसाय में आप अपनी नई योजनाओं की ओर बढ़ेंगे और आपको इस महीने पर कहीं पर भी अगर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है ना, तो से भी लाभ मिलेगा। आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी और नए नए संबंध आपके बनते चले जाएंगे। तो चलिए मित्रों, इसी के साथ रमा एकादशी से जुड़ी इस अपडेट जानकारी और भाग्यशाली राशियों के वीडियो को यहीं पर देती है विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय महालक्ष्मी।